सावन के शुरू होते ही कांवड़ियों का जुनून अपने पूरे शवा पर होता है। इसी के तहत कांवड़ियों की यात्रा शुरू हो गई। इस यात्रा को सुखद और मंगलमय बनाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ये प्रतिबद्धता नजर भी आ रही है। इस बार कांवड़ियों के सुरक्षा के इंतजाम बड़े ही पुख्ता हैं। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि कांवड़ियों की यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, और वहीं जिले के पुलिस भी पूरी तरह से कांवड़ियों के सुरक्षा को लेकर चौकन्ना है। कुछ कांवड़ियों से हमारे सिटीवन संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया, जंगल पंचरुखिया से आए हैं, जिला कुशीनगर से। हम जा रहे हैं सुल्तानगंज से, जल भरेंगे, बाबा धाम जाएंगे और वहां से जाकर के बासुकीनाथ जल चढ़ाएंगे। वहां से जो है कि और जो है कि राजगिरी जाएंगे या और कहीं जाएंगे, तपोवन जाएंगे और नौलखा मंदिर। हम हर साल जाते हैं, जो कि 1990 से हम जा रहे हैं बाबा के दरबार में। सिर्फ डाक बम हम जा रहे हैं और हमारे साथ जो है कि साथी लोग हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 32-35 लोग हैं कि वो कांवर बम लेकर के जाते हैं। हर साल हम लोग जो है कि बाबा की यात्रा करते हैं। हमको 14 साल हो गया यात्रा करते हुए बाबा के बैजनाथ धाम, और जंगल पचरुखिया से आकर और गोरखपुर से होकर और सुल्तानगंज जाता है, और सुल्तानगंज से लेकर देवघर जल जाते हैं, डाक बम जाते हैं। हम हमारे साथी भी लोग कांवर लोग भी है, 32-35 लोग हैं। वहाँ से एक हफ्ते की यात्रा है। क्या मान्यता है बाबा का? बाबा की मान्यता वो है कि वो अपने पैदल चढ़कर हम लोग जाते हैं, वो अपनी श्रद्धा है, बाबा से मांगते हैं, वो पूरा हो जाता है। उधर कांवड़ियों की सुरक्षा के बारे में हमारे सिटीवन संवाददाता को और अधिक जानकारी देते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, सावन का पहला दिन है और मैं इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर पुलिस कांवड़ियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने हाईवे पर स्पेशल डिप्लॉयमेंट किए हैं, साथ ही सावन के सोमवार में जो मंदिरों में भीड़ होगी उसके लिए भी डिप्लॉयमेंट किए गए और अलग से बंदोबस्त लगाए गए। अलग से हाईवे पेट्रोलिंग जारी की गई है, इसके लिए अलग से नियुक्तियाँ की गई हैं। खास खास चौराहों पर CCTV कैमरे वगैरह, इन सब से हम निगरानी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सभी लोग अच्छे से सावन का त्यौहार मनाएंगे। ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल जी बिल्कुल, जहाँ